चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज बात करते हैं हम टीजीटी कला के टॉप यहां पर 10 पर, और आज हम यहां पर देखेंगे प्रमुख रूप से हमारे वे प्रश्न जो आपके एग्जाम में इससे पहले आए हुए हैं, और ऐसे प्रश्न भी जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आइए दोस्त, आज के टॉप मोस्ट प्रश्न को लेकर के चलते हैं। प्रश्न नंबर एक कह रहा कि अभिव्यंजनवाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था। कह रहा क्या इटली देश के कलाकारों द्वारा, फ्रांस देश के, जर्मनी के, और कह रहा रूस के। तो दोस्त ध्यान देंगे कि अभिव्यंजनवाद हमारा प्रमुख रूप से प्रारंभ किया गया था जर्मनी के हमारे कलाकारों के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर दो के क्रम पर आते हैं। कह रहा द स्क्रीन चित्र किससे विभिन्न किया गया है। कह रहा एडवर्ड मुंख, कह रहा एडगार माने, कह रहा कि एडवर्ड मोने, और कह रहा एडवर्ड मंच। तो दोस्त ध्यान देंगे कि प्रश्न नंबर दो का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दो का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर तीन के क्रम पर आते हैं। कह रहा उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। ए कह रहा जैक्सन पोलाक, बी कह रहा पॉल क्ली, सी कह रहा एडवर्ड हापर, और डी कह रहा कि डी लोने। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड हापर। एडवर्ड हापर। प्रश्न नंबर चार के क्रम पर आते हैं, और प्रश्न नंबर चार कह रहा है, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको चेक कर लेंगे। ये स्वर लिखा है, स्वर। कह रहा स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार कौन है। कह रहा है कि क्या रेम्ब्रा है, कह रहा पोलाक है, कह रहा है कि ये हमारे पिसारो है, कह रहा हेनरी मातिस है। तो ध्यान देंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, पिसारो। इसका सही आंसर होगा बिल्कुल पिसारो होगा। चलिए नेक्स्ट क्रम पर आते हैं, और प्रश्न नंबर चार के बाद पांचवें नंबर पर बात करते हैं। कह रहा कौन यथार्थवादी चित्रकार, के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग चित्रकार भी था। कह रहा दाउमियर था, कुर्बे था, डेविड था, और गोया था। तो ध्यान देंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दाउमियर। यथार्थवादी चित्रकार कौन था, दाउमियर था। प्रश्न नंबर छह के क्रम पर आते हैं। कह रहा विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण का कार्य किया। ए कह रहा अति यथार्थवाद, बी कह रहा घनवाद, सी कह रहा सौरियलिज्म, और डी कह रहा अभिव्यंजनवाद। तो ध्यान देंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अगर यहां पर हम बात करें प्रश्न नंबर सात की, तो कह रहा सल्वाडोर डॉली किस कला आंदोलन से संबंधित थे। कह रहा अति यथार्थवाद, धनवाद, प्रतीकवाद, और भविष्यवाद। तो देखिए ये भी सल्वाडोर और विकास भट्टाचार्य दोनों संबंधित थे अति यथार्थवाद से, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आठ के क्रम पे आते हैं। आठ कह रहा निम्नलिखित में से कौन भूदृश्य चित्रकार है। कह रहा वर्मीर है, दामियर है, कोरो है, और कह रहा डेला क्रोइक्स है। तो ध्यान देंगे कि अगर हम भूदृश्य चित्रकार की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरो होगा। प्रश्न नंबर नौ के क्रम पर आते हैं। नौ कह रहा कि भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। कार्लो कारा, देलाने, कह रहा होल्डर, और कह रहा एंसर। तो ध्यान देंगे भविष्यवादी चित्रकार की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्लो कारा। प्रश्न नंबर 10 के क्रम पर आते हैं। कह रहा कौन प्रसिद्ध फाउविज्म कलाकार था। बात यहां ध्यान दीजिएगा, फाउविज्म की बात कर रहा है। कह रहा कि बोत्तिचेल्ली थे, कह रहा मेडिसी थे, कह रहा हेनरी मातिस थे, और कह रहा रेनवार था। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हेनरी मातिस। हेनरी मातिस। ध्यान दीजिएगा कि आप टीजीटी आर्ट ध्यान देंगे टीजीटी आर्ट और इसके साथ में ऑनलाइन एडमिशन प्रारंभ है, और एडमिशन के लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर के चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखना है। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का ऐप डाउनलोड करने के पश्चात आप वहां आसानी से रजिस्टर करें अपने बेसिक इंफॉर्मेशन डाल करके।
रजिस्टर करने के बाद आप टैब के अंदर जाएं तो वहां पर आपको कोर्स परचेज के ऑप्शन मिलेंगे, जहां आसानी से आप हमारे विभिन्न कोर्स सी टेट, सुपर टेट, एम पी टेट, बीओ आपको मिल जाएगा, केवीएसपीआरटी, केवीएसटीजीटी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। और हमारे ऐप से आप वहां जाकर के फ्री में महत्वपूर्ण पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की समस्या और सहायता के लिए 8299313100097 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच।